विद्येश्वर संहिता प्रथम अध्याय पाप नाशक साधनों के विषय में प्रश्न, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगलमय है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके पांच मुख हैं और जो जगत की रचना पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरुभाव रूप पांच प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करती हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, उस पुण्यमय प्रयाग जो ब्रह्म लोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी वहां मुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप शुभाशुभ तत्व का वर्णन करें, जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती और उसे सुनने की हमारी इच्छा ऐसे ही रहती है। कृपा कर उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्यकर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख नास्तिक और पशुबुद्धि हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण आश्रम अवस्था नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा। प्राकृतिक आपदाओं से जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी। धन का क्षय होगा। स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे। मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। संस्कार भ्रष्ट होकर कुमारगी धनोपार्जन परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग लोक परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करने वाले दूसरों को सुखी करता हुआ स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भावना अति निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करते हैं। हे महामुने, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों के हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ये वेदांत का सार सर्वस्व है। यही परलोक में परमार्थ को देने वाला है तथा दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण के अध्ययन से कलयुग में सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इसके उदय से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण को देवतुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण में 12 खंड या भेद हैं। वे 12 संहिताएं हैं।
विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मात्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का 4th स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। यह वेद तुल्य पुराण विद्येश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणित तथा उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों का नाश करने वाला है। यही सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। यही सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। श्रवण कीर्तन और मनन साधनों की श्रेष्ठता। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि बोले, भगवान आप देवतुल्य अद्भुत एवं पुण्यमय शिव पुराण की कथा सुनाइए। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ था। वे देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण हैं। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधक है, तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना लिए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वही साधक हैं। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है, तथा यही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश्वर ने ही भक्ति के साधनों का प्रतिपादन किया है। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन में उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधन हैं, तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधन है। श्रवण द्वारा ही गुरु मुख से तत्व को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन की शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का यत्न करता है। मनन के बाद
इस साधन की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूप गुण विलास के हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इस साधन को ही प्रमुख साधन कहा जाता है। भगवान शंकर का श्रवण, कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के सर्वश्रेष्ठ साधन है तथा मुक्ति का स्रोत है। ऋषि बोले, सूत जी, आपने श्रवण, कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, श्रवण, कीर्तन और मनन जैसे साधनों को करना प्रत्येक के लिए सुगम नहीं है। इसके लिए योग्य गुरु और आचार्य चाहिए। गुरुमुख से सुनी गई वाणी मन की शंकाओं को दग्ध करती है। गुरुमुख से सुने शिव तत्व द्वारा शिव के रूप स्वरूप के दर्शन और गुणानुवाद से रसानुभूति होती है, तभी भक्त कीर्तन कर पाता है। यदि ऐसा कर पाना संभव ना हो तो मोक्षार्थी को चाहिए कि वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके रोज उनकी पूजा करे। इसे अपनाकर वह इस संसार सागर से पार हो सकता है। संसार सागर से पार होने के लिए इस तरह की पूजा आसानी से भक्ति पूर्वक की जा सकती है। अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य के अनुसार धन राशि से शिवलिंग या शिव मूर्ति की स्थापना कर भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना कर उत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा पुष्प, धूप, वस्त्र, गंध, दीप तथा पुआ और तरह तरह के भोजन नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। श्री शिव जी ब्रह्मरूप और निष्कल अर्थात कला रहित भी हैं और कला सहित भी। मनुष्य इन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। शंकर जी को ही ब्रह्म पदवी भी प्राप्त है। कलापूर्ण भगवान शिव की मूर्ति पूजा भी मनुष्यों द्वारा की जाती है और वेदों ने भी इस तरह की पूजा की आज्ञा प्रदान की है।